من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. یہ 72واں سورہ ہے کلام مجید کا, سورہ جن, اور یہ اس کی آخری آیت ہے. غیب کا عالم اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر ہی کہ جس کو رسولوں میں مرتضی بنا لے اور جس پر علم غیب کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کے گرد, اس کے اطراف, اس کے سامنے, بازو اور ہر طرف اس کے رصد قائم کر دی جاتی ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا, نگرانی اس کے ارد گرد قائم کی جاتی ہے, اس کی نگہبانی کی جاتی ہے. جس کو رسولوں میں مرتضی بنایا جاتا ہے اور جس کو خداوند علی اعلی اپنے غیب سے سرفراز کرتا ہے اس کی باضابطہ حفاظت کی جاتی ہے. لِيَعْلَمَ, تاکہ علم ہو جائے, تاکہ سب جان لیں, تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے, ان قد ابلغوا رسالات ربهم, کہ انہوں نے اللہ کی رسالتوں کو اس درجہ کمال سے پہنچایا, ابلاغ کیا, اس منزل تکمیل پر اس کی تبلیغ ہوئی. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, ایسے بندوں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, اور ہر چیز کی گنتی کی جاتی ہے عالم الغیب کی طرف سے. یہ آئے وافی ہدایہ ظاہر کرتی ہے کہ خداوند علی اعلی اپنی ان غیب کی باتوں کو کہ جن کو وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنی الہی مصلحتوں کی بنا پر تبلیغ کے لیے, اپنے نبی کو قوت عطا کرنے کے لیے وہی باتیں اپنے نبی کو سمجھاتا ہے.
अपने नबी को वो इल्म देता है ताकि वो पहचाने उन बातों को और उन बातों की कुव्वत पर वो इबलाग व तबलीग की मंजिल पर आए और इलाही रिसालतों को पहुँचाएँ। ये सूरह जिन की आयत है। कल रात नश्तर पार्क में गुफ्तगू करते हुए मैंने आले इमरान की आयत पढ़ी थी। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला फिक्र रहे और बाद उमूर आपकी समझ में आ जाए। आल इमरान की आयत ये थी, मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैह। खुदावंद अली आला साहिबान ईमान को इस हाल पर नहीं छोड़ेगा, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत्तय्यिब, यहाँ तक के खबीस और तय्यब वाज़े हो जाएं, यहाँ तक के ये मालूम हो जाए कि ताहिर कौन है, गैर ताहिर कौन है, नजिस कौन है, पाक कौन है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीन अला मा अंतुम अलैह हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत्तय्यिब, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और खुदावंद अली आला तुमको गैब का इल्म भी नहीं देता, तुमको गैब का आलिम भी नहीं बनाता है। मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, लेकिन रसूलों में जिसको मुजतबा बनाता है उसको ये इल्म अता करता है ताकि वो दुनिया तक ये बात पहुंचा दे कि क्या चीज खबीस है, क्या चीज तय्यिब है, कौन ताहिर है, कौन गैर ताहिर है, क्या पाक है, क्या नापाक है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि मर्जी इलाही का कोई नुमाइंदा जो अंबिया में मुजतबा हो, मुर्तजा हो, उसको हम अपने इल्म गैब का दायरा बनाते हैं, वरना ये बातें किसी से नहीं कही जाती और न खुदावंद अली आला हर एक शख्स को इस बात का मुस्तहिक समझता है कि उसको इस राज का हामिल बनाया जाए कि वो ये समझने लगे कि कौन खैर है, कौन शर है, कौन नेक है, कौन बद है। ये अमर हर एक को अता नहीं होता जब तक के रसूलों में कोई मुंतखब न हो जाए, जब तक के रसूलों में कोई मुजतबा न हो जाए, जब तक के रसूलों में कोई मुर्तजा न हो जाए। दुनिया हैरान है कि नबी को इल्म गैब मिलता है कि नहीं मिलता। ये दो आयतें कुरान मजीद की हैं, एक आले इमरान और एक सूरह जिन, एक कलाम मजीद का तीसरा सूरा, एक कलाम मजीद का 72वां सूरा। दोनों सूरतों में इस बात की वजाहत की गई कि हम जिसको मुर्तजा बनाते हैं, हम जिसको मुजतबा बनाते हैं, अपने गैब का हामिल करते हैं, अवाम को इल्म गैब नहीं देते, मगर जिस चीज़ को हम छिपाते हैं वो उस बंदे को अता करते हैं जो बंदा तबलीग की मंजिल पर आए, इब्लाग की मंजिल पर आए, अपने पैगाम को पहुँचा दे और हम देखें कि पैगाम बदरजाए माल पहुंचाया गया है। और इस तरह से जिसको गैब का इल्म देते हैं उसकी निगरानी भी करते हैं, उसकी रसद भी कायम करते हैं, उसके मुहाफिज भी करार देते हैं, उसकी निगहबानी इस तरह से की जाती है कि वो बेरूनी मजर्रात से भी पाक रहे, अंदरूनी खदशात से भी पाक रहे, न वहां शुभ आए, न शक आए, न रायब आए, न वहां किसी किस्म की नजासत आए। इन आयतों ने वाज़ह कर दिया मकाम खत्मुल मुरसलीन को कि खातम वो है जो खुदावंद अली आला की मर्जी का वाहिद नुमाइंदा है, ताकि वो इल्म इलाही को लेकर अवाम तक पहुंचाए और उस मंजिल पर पहुंचे कि मा आताकुमुर रसूल फखुजूहू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल लाए ले लो और जिससे रसूल रोके रुक जाओ। ये अवाम को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अपनी तरफ से किसी शय के लिए अच्छाई या बुराई का हुक्म लगाएं। ये सब वही रब्बानी है और ये वही रब्बानी उसी बंदे को अता होती है जिसको रसूलों में मुंतखब कर लिया जाता है। ये था कल की तकरीर का खुलासा। हम चाहते हैं कि आज आपकी फिक्र को कुछ और आगे बढ़ाएं, लेकिन इस सिलसिले में जो अम्र काबिल गौर है वो ये है कि हम जब खत्मुल मुरसलीन का तस्करा करते हैं, और इत्तफाक ये कि आज की तारीख उन्हीं की ज़ाते ग्रामी से मंसूब भी है, और फिर आने वाला महीना तो सब का सब आलम इस्लाम के लिए
बड़ा ही बाबरकत महीना है जो उस ज़ात ग्रामी से निस्बत पाता है। मगर समझना ये चाहिए कि जिसका कलेमा पढ़ते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसको खत्मुल मुरसलीन कहते हैं, जिसको रहमतुन लिल आलमीन कहते हैं, कुरान ने उसके मौकफ को क्या कायम किया और हमारी निगाहों में उसका मौकफ क्या है। हमारी निगाहों में उसका मौकफ यह है उम्मत की निगाहों में कि वो हम जैसे एक इंसान थे, इम्कान खता था, सहो मुमकिन था, दो चार मर्तबा भूल भी गए थे, और जब गलती होती थी अल्लाह से माफी चाहते थे। इस तरह से नबी को पेश किया हदीस की किताबों में और यह बतलाया कि हमारे पास यही रिवायतें आई हैं। मगर कुरान के होते हुए हम ऐसी रिवायतों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि नस से सरीह है कुरान की मुखालफत वाक़ हो रही हो। हजरत नूह अला नबीना वालेही सलाम को हुक्म मिला, ये सूरह हूद की आयत है। हजरत नूह को हुक्म मिला वस्नाइल फुल्क बे आयुनना, कश्ती बनाओ हमारी निगाहों के सामने, हम निगरानी करेंगे कश्ती को, तुम बनाना शुरू करो, हमारी निगरानी है। वस्नाइल फुल्क बे आयुनना, कश्ती बनेगी हमारी निगरानी में, यानी मजाल नहीं है, इम्कान नहीं है कि इस सनअत में कोई गलती वाकई हो जाए, हमारी निगरानी। और सूरह तूर में खत्मुल मुरसलीन को इरशाद हुआ, वहां कश्ती के लिए हुक्म था, यहां सूरह तूर में खत्मुल मुरसलीन के लिए इरशाद हुआ वस्बिर ले हुक्म रब्बिक फइन्नका बिआयुनना, हम अपने रब के हुक्म को सब्र के साथ सुनो, इंतजार करो, इसलिए कि तुम सरताता हमारी निगाहों के सामने हो। वस्बिर ले नफ्सिक, वस्बिर बे अम्र रब्बिक, अपने रब के हुक्म का इंतजार करो, फइन्नका लिआयुनना, तुम सरताता हमारी निगाहों के सामने हो। तो जो सरताता निगाह इलाही के सामने हो, जिसके गिर्द रसद लगी हुई हो, जिसकी निगहबानी कुदरत करती हो, और जिसको इस मौकफ पर पहुंचाया गया हो कि उससे अहम तरीन खिदमत खुदावंद अली आला लेना चाहता हो, और उसमें भी अगर इम्कान खता हो जाए, उसमें भी अगर सहो आ जाए, उसमें भी अगर भूल चूक हो जाए, तो उसके माना ये होंगे कि दीनो दियानत में हर आन एक शुभा पैदा होता जाएगा कि यह पैगंबर ने कहा, मालूम नहीं किस कैसे कहा, किस तरह से कहा, किसके इशारे से कहा, हदीस तो हदीस, कुरान में शक वाक़े हो जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, इसलिए कि कुरान पर गवाह फकत तन्हा रसूल है, इनके अलावा कोई गवाह नहीं है। रसूल ने कहा था कि ये वही रब्बानी है, हमने भी माना कि ये वही रब्बानी है, सिवा रसूल के कुरान पर कोई और गवाह नहीं है, इसलिए लाजिम हो जाता है कि हम रसूल के मुतालिक गौर करें, फिक्र करें, अगर वाकई दीनो दियानत में हम अपने आप को ताबे रसूल साबित करना चाहते हैं। आइए इस एतबार से पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पर एक मुख्तसर सी फिक्र चाहिए कि किस काम के लिए चुना था, किस काम के लिए इंतखाब किया था, और फिर क्या खिदमतें रसूल के जिम्मे थीं। आपको ताज्जुब होगा कि खत्मी मर्तबत के लिए जब ये इरशाद होता है कि तुम कहो, तो फिर उसके बाद ये नहीं होता कि फिर खुदावंद अली आला वही करे कुल और रुक जाए, ये नहीं है, बल्कि तुम ये कहो और उसके बाद क्या कहा जाए वो सारी तफसील भी आए, वो सारी तफसील भी आए, वरना बड़ी दुश्वारी हो जाएगी कुरान मजीद को समझने में कि कितना कलाम रब है और कितना कलाम अब्द है। एक गलत फहमी आम तौर पर पैदा की जाती है और वो ये कि जहां कह दिया गया कि कहो
उसके माना ये कि अख्तियार दे दिया कि अब तुम कहो, ऐसा नहीं है। जितनी आयत है वो सब की सब वही है। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। सूरतुल अंबिया, कह दो ऐ रसूल क्या खुदा एक है, इसी की वही की गई है, क्या आप तुम मुस्लिम हो जाओगे? तो ये नहीं कहा कि तुम कहो, नहीं, उसके साथ साथ लफ्ज हुरूफ जुमले ये सब के सब कलाम रब्बानी है जो असल कुरान बनते हैं, कि कह दो कि मुझ पे वही की गई है कि खुदा एक है। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुस्लिम हो जाओगे? या दूसरी मंजिल पर इरशाद हुआ कि कुल हुवल्लाहु अहद। ये नहीं कि पैगंबर को इसकी इजाजत नहीं दी गई कि कुल के बाद जो आप चाहे कहें। मेरी गुफ्तगू को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह कुरान मजीद में 330 मरतबा से ज्यादा सिर्फ लफ्ज कुल को दोहराया गया है। कुरान मजीद में 330 मकामात से ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं कि यह इरशाद हो के तुम कहो, नहीं, तुम ये कहो, तुम ये कहो, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तकूमू लिल्लाही मस्ना व फुरादा। तुम कहो ऐ रसूल कि क़याम करो अल्लाह के लिए इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर। सुम्मा ततफक्करू मा बिसाहिबकुम मिन जिन्नतिन, फिर गौर करो कि तुम्हारा साथी दीवाना तो नहीं है। इसी तरह से आप देखते जाएंगे कि तफसील भी कुल के बाद अल्लाह ही की तरफ से है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, ऐसा नहीं है कि वहां से सिर्फ कुल कहा हो और पैगंबर ने कहा हो ला असअलुकुम। तो आप समझ रहे हैं, यह पूरा हुक्म अल्लाह की तरफ से है और कुफार कुरैश ने भी इसमें शक नहीं किया। कुफार कुरैश ने मानी में शक किया है, आयत में शक नहीं किया। कुल का हुक्म आया तो ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा की पूरी आयत के साथ। जब कुल कहा गया तो साथ कहा गया कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कह दो बुलाओ तुम अपने बेटों को, बुलाते हम हमारे बेटों को, अपनी अपनी औरतों को बुलाओ, अपने नफूस को बुलाओ। यानी ये पूरी आयत है कुरान। अब अगर शक हो सकता है तो मानी में हो सकता है, मफाहीम में हो सकता है, शक इस अमर में नहीं हो सकता कि रसूल को ये कह दिया गया कहो और रसूल ने अपने दिल से कहा और उसको कुरान में शामिल कर दिया। ये नहीं है, ये नहीं है। और क्यों नहीं है? इसलिए कि कुरान मजीद वो गायब है, वो गायब है कि जो उस पोशीदा और छिपी हुई ताकत के जरिए जिसको वही कहते हैं पैगंबर पर नाजिल हुआ है। और मोमिन की तारीफ यह है, मुत्तकी की तारीफ यह है कि अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैब। मुत्तकी वो है जो गैब पर ईमान लाए। कहाँ है गैब? जिसको रसूल लाए। गैब कहाँ है? वो गैब है जिसको रसूल लाए। यहाँ एक अजीब कंट्रोवर्सी है, एक अजीब बहस है, पूरी कौम, अब आप देखेंगे रबीउल अव्वल जैसे शुरू होगा ये चंद मबाहिस शुरू हो जाएंगे। पैगंबर नूर है कि नहीं है, पैगंबर इंसान है तो उसको गैब के कैसे उलूम हासिल हो सकते हैं, पैगंबर के लिए इस्मत मुतलका कैसे साबित की जा सकती है, पैगंबर के लिए तहारत मुतलका कैसे साबित की जा सकती है। यानि विलादत का महीना शुरू हुआ और शकूक बढ़ते गए, शुकूक बढ़ते गए, मबाहिज बढ़ते गए। किसके लिए? ईसा के लिए नहीं, मूसा के लिए नहीं, इब्राहिम के लिए नहीं, अपने ही नबी के लिए। जिसकी उम्मत अपने आप को समझते हैं उसी की ज़ाते गिरानी में शुकूक है। लाता है वो किताब, किताब वो के ला रहे बफी, किताब में शक नहीं है, लाने वाले में शक है। किताब में इनकाने खता नहीं है,
लाने वाले में इम्कान खता है। अगर ये बातें हैं तो उसके माना ये है कि अभी तक कल्ब मुस्लिम सही तौर पर जिला पा न सका, इसमें रोशनी आ सकी, और इस रोशनी के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की जरूरत है। लेकिन आज एक बात को तय कर लें, और वो ये कि ये रसूल की जात गिरामी में शुभा क्यों आया, ये आया क्यों शुभा? इसलिए कि कबल नबुव्वत रसूल की जात में शुभा नहीं था। जब तक नबुव्वत नहीं आई थी रसूल को कहते थे सच्चा है, सादिक है, अमीन है, मोतमद है, हमारे अमानात का हामिल है, इसकी जबान कभी झूठ से आलूदा नहीं होती, ये अपने जाती मफादात में गुफ्तगू नहीं करता, ये किसी की अमानत में खियानत नहीं करता। जब तक नबुव्वत नहीं आई थी वो अमीन था, अमीन था, अमानतदार था, जिम्मेदार था। और जैसे नबुव्वत आ गई, जैसे नबुव्वत आ गई तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये, बहुत गौर से सुनिए, ये चंद बातें याद रखने के काबिल, हुआ ये कि देखने वालों ने ये देखा कि हम भी देखते हैं नबी भी देखता है, हम भी देखते हैं नबी भी देखता है, और हम भी सुनते हैं नबी भी सुनता है, हम भी चखते हैं नबी भी चखता है, हम भी सूंघते हैं नबी भी सूंघता है, हम भी महसूस करते हैं बुरूदत को, रुतूबत को, सख्ती और नरमी को, नबी भी ऐसे ही एहसासात का मालिक है। मगर एक बात अजीब है, और वो ये कि जिसकी वजह से इंसान हैवान से मुमताज हुआ वो बोलने की ताकत थी। हैवान बोलता नहीं है, उसमें नातिका नहीं है, नुत्ख नहीं है, इंसान बोलता है, अपने मुद्दुआ को जाहिर करता है। तो हम जब बोलते हैं हम कुछ और बोलते हैं, नबी जो बोलता है वो उस तरह से नहीं बोलता जो हम बोलते हैं। आप समझे, यानी उन्होंने ये देखा कि हम देखते हैं वो भी देखता है, हम सुनते हैं वो भी सुनता है, हम सूंघते हैं वो भी सूंघता है, बजाहिर फर्क नहीं मालूम होता, इसलिए कि देखने में क्या फर्क है, नबी ने देखा आपने देखा। जब तक के नबी ना बतलाए कि तुमने ये गलत देखा मैंने ये सही देखा, वरना देखने में कोई फर्क नहीं है, देखना बजाते खुद किसी चीज की इत्तला नहीं है। मगर जैसे ही नबी की जबान खुली सबको पता चला कि हम इस तरह से तो नहीं बोलते, हमारी कुव्वत नातिका ये तो नहीं है, हम समझ रहे थे कि हम हैवानों में मुमताज हैं इस गोयाई की वजह से, मगर नबी के सामने हमारी गोयाई बिल्कुल हैवानियत है, नबी के सामने हमारी गोयाई बिल्कुल हैवानियत है। और नबी जब बोलता है तो हैरानी ये होती है कि ये भी इंसान है मगर इसकी कुव्वत नातिका ने ये साबित कर दिया, इसके बोलने की ताकत ने ये साबित कर दिया कि ये हमारी तरह नहीं है। इसलिए कुरान ने सुनने सूंघने देखने की तारीफ नहीं की, नबी के बोलने की तारीफ, और कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, तुम नहीं बोलते हो मगर वही बोलते हो जो वही रब्बानी है। हमने देखा यानी नबी की कुव्वत नातिका की तारीफ की कुरान ने कि नबी जब बोलता है तो वो वही रब्बानी है। ऐसी सूरत में ये जानते हुए कि उसकी कुव्वत नातिका वही है, शुकूक पैदा हुए किसके ताल्लुक से, किसके रब्त से। बहुत अजीब बात, अगर नबी मक्के और ताइफ के दौलतमंदों को हमराह ले लेता, जैसे यह कहा गया कि वलीद इब्न मुगैरा जो वहां का दौलतमंद है मक्के का, या बनू सकीफ जो ताइफ के दौलतमंद कबीले के लोग हैं, अगर उनको साथ ले लेता कि आओ आओ तुम मेरे मुमिद मुआविन बन जाओ तो शायद शुभा ना होता। रोसाए कुरैश को साथ ले लेता कि आओ मेरा साथ दो तो वो तो तैयार थे, शुभा नहीं होता। शुभे का आगाज उस दिन से हुआ कि जिस दिन ऐलान किया वही का, उसी दिन यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे मददगार को देखो,
आवाज दी, कोई है मेरी मदद करने वाला? सब चुप हो गए। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। शकूक पैदा हो गए कि ये कुंभा परवरी तो नहीं है, ये कबीला परवरी तो नहीं है। तो इस शक में पुख्तगी इसलिए भी आ गई कि उन्होंने कहा, असबियत का कमाल है कि अबू तालिब ईमान तो नहीं लाते मगर भतीजे की तरफदारी करते हैं। ये कबीला परवरी है, ये कुंभा परवरी है। अब ये बातें बढ़ती चली। पहले दिन यह शक हुआ था कि किसी दौलतमंद को साथ नहीं लिया, एक छोटे से बच्चे को साथ ले लिया। और उसके बाद आहिस्ता 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 ये शुबहात बढ़ते गए, यहां तक के वो मंजिल आई कि जब कुर्बा की मवद्दत को वाजिब किया तो फिर भी उन हस्तियों का ऐलान किया जो घर वाले थे। चादर तथहीर की गुफ्तगू आई, आए तथहीर नाजिल हुई, वही आए जो घर वाले थे। मुबाहले की मंजिल आई, वही निकले जो घर वाले थे। तो अब ये बातें खल गई। तो इस मस्तर जो गुफ्तगू शुरू हुई तो वो बाद में शुरू हुई कि वाकई इस्मत मुतलका को मान ले, शुबहात को हटा दे। इसलिए कि कोई महफिल ऐसी नहीं थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी दावत जुलशीरा से लेकर गदीर तक जहां भाई का तस्करा ना हो। एक रिवायत है याद रखने के काबिल है, और मैं समझता हूं कि इसको मुख्तलिफ साहिबा ने मसानीन ने लिखा है, इसलिए महफूज कीजिए। इसके रावी हैं हुसैन इब्न अली सलावतुल्लाहि वसलाम। हुसैन इब्न अली रिवायत करते हैं कि हम हाजिर थे मस्जिद में और मेरे पदर ग्रामी भी मौजूद थे और मस्जिद भरी हुई थी। एक मरतबा रसूल ने आवाज दी, कज़ेबा मन ज़ामा अन्नहु युहिब्बुनी व युबग़िज़ु हाज़ा, झूठा है वो जो ये गुमान करे कि वो मुझको दोस्त रखता है और अली को दुश्मन रखे। झूठा है वो जो ये गुमान करे कि मुझको दोस्त रखता है दरा हाले के वो अली को दुश्मन रखे। आपने बताया कि इतनी कुर्बत तामा है कि अगर उसको दुश्मन रखते हो तो ये ना समझना कि मुझको दोस्त रखते हो। जहां वो दुश्मनी आई तो समझ लेना मेरे नूर से दुश्मनी है, मेरे फिक्र से दुश्मनी है, मेरे नफ्स से दुश्मनी है, मेरे शुऊर से दुश्मनी है, मेरे सोचने के तरीकों से दुश्मनी है, मेरी कुव्वत फआला से दुश्मनी है, मेरी कुव्वत दर्राका से दुश्मनी है। तुमको अली से दुश्मनी नहीं है, हकीकत इस्लाम से दुश्मनी है। तो ऐसी सूरत में शकूक पैदा हो गए, और वो शकूक बढ़ते बढ़ते हमने उसको कभी जमल में बरसरे अमल देखा, कभी सिफीन में बरसरे पैकार देखा। वही शकूक थे जो करबला में सामने आए, तारीख आगे बढ़ गई, वो शकूक आज तक हैं। ये तारीख को दुनिया भुला देती मगर पैगंबर ने इसका इंतजाम किया बादे करबला के एक कौम आ जाए जो फकत उन्हीं का जिक्र करती रहे। और जैसे जैसे यह जिक्र होता जा रहा है अब भी वो शकूक उभरते जा रहे हैं, वरना वो शकूक तारीख बन के किसी गोशे में चले जाते, वो शकूक सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाते कि एक शक पैदा हुआ था। मगर नहीं, जैसे जैसे मवद्दत करने वाले गुरोह ने फजाइल को बयान करना शुरू किया अब वो शकूक उभरते चले। तो अब सदा शकूक पैदा हो गए, आखिर में अब ये नौबत हुई कि नहीं, सिर्फ इस हद तक मानो कि कुरान लाया गया था और कुरान पहुंचाया गया था। हम शख्सियत को तस्लीम नहीं करते, हम तो मकसद को मानते हैं। बहरहाल हम ये देखना चाहते हैं वो कौन सा मकसद है जो बगैर शख्सियत के फरोग पाता है, अगर इस्लाम को बचाना था और फिर कुव्वत इलाही को बचाना था तो शख्सियतों की जरूरत ना होती। मगर करबला की शख्सियतों ने सामने आके बतलाया कि हमारा वजूद है, हमको देखो। सिर्फ मकसद नहीं है,
मकसद है हिज्ज इस्लाम, मगर शख्सियतें हैं 72, शख्सियतें हैं 72 जिन्होंने करबला के पैगाम की हिफाजत की और उस पैगाम की इशाअत की, उस पैगाम को आगे बढ़ाया और दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि तन्हा मकसद काम नहीं करता, तन्हा मकसद काम नहीं करता। तो करबला ने तारुफ रसूल की बड़ी खिदमत अदा की, पहचानवाया रसूल को कि रसूल को पहचान, रसूल को पहचान। और इसी तरह से करबला का जब तक जिक्र होता रहेगा रहती दुनिया में, तो उसको सिर्फ हुसैन का तस्करा ना समझना, उसको सिर्फ हुसैन का तस्करा ना समझना, वो रसूल का तस्करा है। आज जाहिर है कि खत्मी मर्तबत की रहलत और शहादत के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसें हुई और इस ताजियत के हक को भी अदा किया गया, मगर हकीकत यह है कि जिक्र रसूल जिक्र हुसैन है, शहादत हुसैन शहादत रसूल है। इसलिए अगर मैं करबला से एक मुख्तसर से किसी बाब को ले लूं तो यकीनन खत्मी मर्तबत राजी रहेंगे और खुशी होगी उनको कि इस तरह से मेरे नायब का तस्करा किया गया कि जहां हकीकत में वो शहादत और इस शहादत में कोई फर्क नहीं। गुफ्तगू जब इस मंजिल पर पहुंची तो आइए करबला में भी, करबला में भी कुछ अजीब कैफियत है, एक वो कुव्वत है कि जो इस मुहिम को सर करे, इस मुहिम को सर करे कि करबला का हक अदा हो जाए, एक वो ताकत है जो उस मुहिम को सर करे कि बादे करबला क्या हो। इसलिए आप अगर समझ सकें तो ये दो कुव्वतें हैं, ये दो नाम हैं कि जिससे करबला हमेशा के लिए बाकी है, एक हुसैन एक ज़ैनब, एक हुसैन एक ज़ैनब, ये दो कुव्वतें हैं। हुसैन वो के कयामत तक रहेंगे, मगर इस हुसैन को बाकी रखने के लिए ज़ैनब ने जो खिदमतें अंजाम दी उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता, उसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये दो चार बातें याद रखने के काबिल हैं कि जब हुसैन जा रहे थे मदीने से तो उसी वक्त से मीरे कारवां ज़ैनब थी, निगरां काफिले की ज़ैनब थी, सबकी मुहाफिज ज़ैनब थी। ज़ैनब ही के लिए ये तय किया गया था कि बहन अब तुम तय कर लो कि काफिले के साथ कौन जाए कौन ना जाए। जब मक्का मुअज़्ज़मा काफिला पहुंचा तो इब्न अब्बास ने रोकना चाहा और कहा फरजंदे रसूल गर्मी का जमाना है, बच्चों को क्यों ले जाइए, बहनों को क्यों ले जाइए, ये यहीं रहेंगे आराम से रहेंगे। तो खुद इब्न अब्बास कहते हैं कि पर्दे महमिल पर किसी का हाथ पड़ा और एक आवाज आई, इब्न अब्बास बहन को भाई से जुदा करना चाहता है, बहन को भाई से जुदा करना चाहता है, बहन भाई को तन्हा नहीं छोड़ेगी, तन्हा नहीं छोड़ेगी। और इस तरह से जब जाने लगे मक्के से तो फिर अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार मक्के में आए और कहा शहजादी आप जा तो रही हैं, मैं बीमार हूं मगर मेरे बच्चे साथ हैं, अगर आका पर कोई वक्त आ जाए तो इन बच्चों की जानों को बचाया ना जाए बल्कि आका पर कुर्बान कर दिया जाए ताकि अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार की कुर्बानी कबूल हो जाए। करबला पहुंची तो ऐसा मालूम हुआ कि पूरी जिम्मेदारी ज़ैनब के सर है, जरा जरा सी बात पर हुसैन इब्ने अली को तलब किया जाता है। जैसे ही जमीन करबला पर सवारी उतरी, एक मरतबा का फिजा भाई को तो बुला ले, हुसैन इब्ने अली आए, कहा भाई ये कौन सी जमीन है, जब से हम यहाँ आए हैं जब कभी हवा चलती है सकीना के सर पर मिट्टी पड़ती है, गर्द आके गिरती है, ये कौन सी जमीन है। इरशाद फरमाया बहन न रो और न रुलाओ, ये हमारा मक्तल है, ये हमारा मदफन है, यहीं हमको रहना है। इस तरह से शहजादी जनाब ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी जिम्मेदारियों को कबूल किया और समझ गई कि भाई को छोड़ के आगे बढ़ना है। जब भाई शहीद हो गया तो वहां से सलाम किया मदीने को कि नाना ज़ैनब का सलाम कबूल हो, नाना ज़ैनब का सलाम कबूल हो, ये मेरा भाई है जो अपने खून में लौट रहा है। वहां से चली कूफा आई, कूफे से निकली शाम आई, शाम से कैद खाने में आई,
एक यतीम बच्ची शाम के कैदखाने में मर गई, वहां से आई करबला, भाई को सलाम किया, करबला से गई मदीना, नाना को सलाम किया, नाना के बाद गई जन्नतुल बकी, माँ को सलाम किया, वापिस आई। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने वाकए करबला को पूछा तो तफसील से वाकए करबला को सुनाया और कहा, अब्दुल्ला तुमको गालिबन इसकी फिक्र होगी, तुम ये पूछना चाहते होंगे कि ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बंधी थी। तो हाँ अब्दुल्ला, ये सही है, ये सही है, मेरे बाजुओं में रस्सी बंधी थी। हाथों को जोड़ के कहा, नहीं शहजादी, मुझे ये नहीं पूछना है, मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता था कि मेरा सरदार, मेरा सरवर, मेरा आका, उसकी जंग कैसी थी, उसकी लड़ाई कैसी थी। ये गुफ्तगू खत्म हुई, यहां तक तो सब आप सुन चुके। मुझे इजाजत दीजिए, इसके बाद यहां से शहजादी ज़ैनब अलील रहने लगी, मरीज रहने लगी, इसलिए कि तय करके चली थी कि अब कभी साये में नहीं बैठेंगे, ये तय करके चली थी कि अब कभी जेरे साया नहीं रहेंगे, इसलिए अलील हो गई, बीमार हो गई। 2 बरस के अंदर ये आलम हो गया कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार घबरा के आते थे खिदमत में सैयदुस्साजदीन के फरजंद रसूल, फूफी का यह हाल हो गया, फूफी का यह हाल हो गया। सुबह से शाम तक आवाज देती थी, हुसैन हुसैन हुसैन, आनो मोहम्मद का कभी नाम नहीं लिया, हमेशा भाई को पुकारती थी। अब मैं कोई हवाला नहीं दूंगा, मेरे पास कोई हवाला नहीं है, बजुज इसके कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार का एक बाग था शाम में। एक रोज कहने लगे, शहजादी अगर तब्दील आब हवा का कस्द हो तो फिर शाम जाएं, शाम जाएं। घबरा के कहा, वहीं ले जाओगे जहां ज़ैनब असीर थी, वहीं ले जाओगे जहां मेरी एक बच्ची अकेली दफन है। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा, फिर जो मर्जी हो। कुछ सोच के कहा, अच्छा चलूंगी, अच्छा चलूंगी, खुदा साहेबान दिल को, खुदा साहिबान ज़ौक को शाम की ज़ियारत नसीब करवाए। ये शहजादी अब भी वही है, ये आखिरी जुमले के जब ये काफिला शाम की सरजमीन पे पहुंचा और दूर से जब सवाद शाम नजर आया, एक मर्तबा ज़ैनब को याद आया कि ये वही मकाम है जहाँ भाई का सर आवेदन किया गया था, दूर से सलाम किया, सलाम अलैका या अबा, खुदावंदा हमको कामिल ईमान कर, हमारे हवाई दीनी और दुनियावी बरला, हमको तौफीक दे मोहब्बत आले मोहम्मद, जब तक ज़ियारत न करें दुनिया से न उठाओ। ताजील फरमाओ।